नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के क्विज रंजन में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच चल रहे सीरीज के बारे में, जो इंडिया अपना पहला मुकाबला हार चुकी है। इसके साथ ही विश्व रिकॉर्ड बनाने का सपना भी टूट गया है भारतीय टीम का। चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन सा विश्व रिकॉर्ड होता अगर ये भारतीय टीम मैच जीत जाती साउथ अफ्रीका के खिलाफ या T20 मैच को। चलिए हम आपको बताते हैं, अगर भारत यह मैच जीत जाता तो लगातार 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस भारत जीत जाता और यह दुनिया में पहला ऐसा टीम बन जाता जो लगातार 13 T20 मैचेस जीते हैं। इसके अलावा बात करें तो अफगानिस्तान लगातार 12 मुकाबले जीती हैं और अफगानिस्तान के बाद छोटी सी इंटरनेशनल टीम रोमानिया भी यह कारनामा कर चुकी है कि 12 T20 इंटरनेशनल मैच जीत चुकी है। दोस्तों रोमानिया, अफगानिस्तान और भारत लगातार क्रमशः 12-12 मुकाबले जीत चुके हैं। 13वां अगर भारत जीतता तो ये विश्व रिकॉर्ड बन जाता और साउथ अफ्रीका यह मैच जीतते ही एक और नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। वह 210 के ऊपर अभी तक कभी इंटरनेशनल T20 मैचेस में चेस नहीं किया था और यह इंडिया के खिलाफ चेस करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले साउथ अफ्रीका टीम ने कभी T20 इंटरनेशनल में चेस नहीं किया था। ये आपको रिकॉर्ड कैसा लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताइए। स्कोरकार्ड की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुना। बैटिंग करने के लिए आए थे भारत की तरफ से ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़। ईशान किशन ने शानदार 47 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ 23 रन बनाकर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने 37 रनों की शानदार पारी खेली। और बात करें तो हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने 12 गेंद पर शानदार हाफ बैटिंग करते हुए 21 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 29 रन बनाए। और साउथ अफ्रीका के बॉलरों की बात करें तो केशव महाराज ने 1 विकेट लिए और नौटियाल 1 विकेट लिए और फॉर ने 1 विकेट लिए। दोस्तों साउथ अफ्रीका जब टेस्ट खेलने उतरा तो क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बमुमा का जल्दी विकेट गिर गया। इसके बाद एडविन प्रिटोरिया ने शानदार 29 रनों की पारी खेली और हार्दिक पांडे को लगातार 3 सिक्सेस मारे। उसके बाद आए डेविड मिलर बैटिंग करने के लिए, जो शानदार 21 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली। और उसके बाद जस्ट एरसन बर्डसन, जो 47 गेंदों पर लगा शानदार 75 रनों की पारी खेली। ये था हमारे क्रिकेट इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हाईलाइट स्कोर कार्ड। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।